अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का और अमेरिका का जो आज का T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था इन दोनों टीमों का, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बैटिंग की है, तो ये सारी सूरत हाल ये बताती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कोई भी इरादा नहीं है कि वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचे। बाकी रही बात अमेरिका की, तो ये तो अमेरिका की नई टीम है और उसकी मुनासिबत से अगर देखा जाए, नई टीम होते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान की एक वर्ल्ड लेवल की क्रिकेट टीम को हराया है। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम को 159 पे रोका, और आजम खान जैसे बैट्समैन जिसके लिए तो पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर भी ये कह रहे हैं कि ये मैच विनर होगा, लेकिन मुसलसल ये जो 4-5 मैच हो चुके हैं उनमें सिफर पे आउट होने वाला आजम खान, हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक मैच भी जितवा पाएगा। और इसके लिए भी दावाएं की जा रही हैं कि आजम खान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जितवा के आएगा। बहरहाल पाकिस्तान के जो बॉलर थे उन्होंने भी आला कारकर्दगी दिखाई और 159 पर अमेरिका की एक ऐसी बेस्ट बैटिंग लाइन को उन्होंने रोका। ये इन पे भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को दाद देनी चाहिए। और अक्सर ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हमेशा इज्जत बचाई है। बहरहाल इस मरतबा तो आखिर में जनाब हारिस रऊफ, उनका ओवर कुछ अच्छा गया था। जिस तरह से उन्होंने एक ओवर में 15 रन से देके पूरे मैच को बराबर किया था, और फिर सुपर ओवर की भी बात की जाए तो मोहम्मद आमिर जैसा तजर्बेकार बॉलर, उन्होंने भी मेरे ख्याल में 4 तो वाइट बॉल दी थी और हर वाइट बॉल पे एक एक्स्ट्रा रन्स और भी थी, तो ये तो 8 रन्स हो गई। 8 रन्स तो ऐसे ही मुफ्त में दी गई थी अमेरिका को, भाई गिफ्ट दिया गया था कि भाई आप जीते, आप कोशिश करें आप जीते, हम आपको जितवाना चाहते हैं। ऐसे ही कि जैसे उंगली पकड़ के किसी बच्चे को चलना सिखाया जाता है, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम ने आज उंगली पकड़कर अमेरिका को ये मैच जितवाया है, और इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन को भी जाता है और लास्ट में जो हारिस रऊफ हैं उनको भी जाता है, और उसके अलावा पूरा क्रेडिट सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर को जाता है। उन्होंने भी अमेरिका की पूरी क्रिकेट टीम को उंगली से पकड़कर जीत तक पहुंचाया। बहरहाल अगर ये हमारी कारकर्दगी रही और यही हमारी पूरी टीम रही, तो मेरे ख्याल में ये उम्मीद रखना भी फजूल है कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतेगी या फिर सेमीफाइनल तक कोई रसाई होगी। मुझे नहीं लगता कि पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड तक भी पाकिस्तान की टीम पहुंच सके। बहरहाल ये क्रिकेट है, गेम में ऐसा होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो मौजूदा कारकर्दगी है बहुत मायूसकन है, और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये बातें भी कही जा रही हैं कि ये सारा पर्ची सिस्टम है और पर्ची पे आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा ऐसे ही खेलते हैं। तो आप देखते रहें हमारा कासिम खुसरो यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बआसानी आपको मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।